अगर बॉलीवुड कहता है कि हमारे पास संजय लीला भंसाली और आशुतोष गोवारिकर जैसे डायरेक्टर्स हैं जो लंबी लंबी मूवीज बनाने में विश्वास रखते हैं, देन हॉलीवुड भी लाइक होल्ड माई बियर, बिकॉज वी हैव जैक स्नाइडर हु हैज रिसेंटली रीडायरेक्टेड जस्टिस लीग प्रोड्यूस्ड बाय डीसी कॉमिक्स एंड वार्नर ब्रोस। आंखों की बैंड बज चुकी है, दिमाग पूरी तरह से हिल चुका है, पर फिर भी मन में ना लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि जस्टिस लीग देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने सीरियसली क्या देख लिया। ये मूवी एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार रिलीज हुई है। जो 2017 में जो जस्टिस लीग आई थी वो थिएटर में रिलीज हुई थी, और अभी जो जस्टिस लीग आई है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। 2017 में जो जस्टिस लीग आई थी उसे जॉस वीडन ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने इससे पहले द एज ऑफ अल्ट्रॉन, द एवेंजर जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया था। बट 2017 में आई जस्टिस लीग की इन्होंने पूरी तरह से बैंड बजा दी। अब एक ही मूवी दो बार रिलीज हुई है और हर बार इसे अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। अब इसके पीछे कारण क्या है और इस मूवी का रिव्यू आज मैं करने वाला हूं, तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैक स्नाइडर इस मूवी के ओरिजिनल डायरेक्टर थे, बट ड्यू टू सम पर्सनल लॉस विद इन हिज फैमिली ही स्टेप डाउन एज अ डायरेक्टर। अब क्योंकि वार्नर ब्रोस उनके लिए रुकना नहीं चाहते थे, सो विच इज बाय दे हायर्ड जॉस वीडन एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, वेर इन ही फक्ड अप ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए कह रहा हूं जिसका काम उसी को साझे। 2017 में जो जस्टिस लीग आई थी वो सिर्फ 2 घंटे की मूवी थी, और जैक स्नाइडर की ये जो जस्टिस लीग है ये पूरे 4 घंटे की मूवी है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना सारा डेवलपमेंट हो चुका है मूवी में इन टर्म्स ऑफ VFX, CGI, सीन्स भी रीशूट हुए हैं, नए सीन्स एड ऑन किए गए, एंड देन इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से रिलीज किया है। एंड इसी बात पे जैक स्नाइडर का स्ट्रॉन्ग विजन और डायरेक्शन इस 4 घंटे की मूवी को स्ट्रॉन्गली एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बनाता है। 2017 और 2021 में आई हुई जस्टिस लीग के स्क्रीन प्ले में भी काफी हद तक चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि अभी जो मूवी रिसेंटली आई है इस मूवी को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इसीलिए मूवी में होने वाला ड्रामा ज्यादा जंबल्ड अप या फिर कंफ्यूजिंग नहीं लगता। Everything seems on point, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 2017 के जस्टिस लीग के स्क्रीन प्लेज और एडिटिंग में हद से ज्यादा लूप होल्स थे, और उन्हीं लूप होल्स के कारण मुझे वो 2 घंटे की मूवी भी आधी अधूरी सी लगी थी, और उन्हीं लूप होल्स को रिकवर किया है, कवर अप किया है जैक स्नाइडर की इस जस्टिस लीग ने। देखो, अब चाहे कोई इंसान हो या सुपर हीरो कैरेक्टर, हर किसी का एक पेनफुल पास्ट होता है, एक बैक स्टोरी होती है, और यही बात 2021 के जस्टिस लीग में क्लियरली शोकेस की गई है। साइबोर्ग और फ्लैश जैसे सुपर हीरो कैरेक्टर्स को वो वाली जस्टिस लीग में काफी हद तक अंडरएस्टिमेट भी किया गया था, बट वही बात जैक स्नाइडर ने अपने ये वाली मूवी में क्लियरली इंप्रूव कर दी है, एंड दैट इज अनदर प्लस पॉइंट। देखो, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, वंडर वुमन, फ्लैश और सुपरमैन के इंट्रो सीन्स एंड बैकग्राउंड स्कोर मुझे सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगे। एक सीक्वेंस है जहां एक्वामैन, वंडर वुमन और साइबोर्ग सुपरमैन को रोकने की कोशिश करते हैं, और उसी सीन में सुपरमैन जिस तरह से फ्लैश को देखते हैं ना, आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू दिस सीन हैज गॉट अ ह्यूज रिपीट वैल्यू, जिसको आप बार बार देखना चाहोगे। वी ऑल नो समवन इन आवर लाइफ एंड वी शट आवरसेल्फ फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, ऐसे बहुत से डायलॉग है जो कान से लेकर सीधा दिल तक पहुंचेंगे। एक सीक्वेंस है जहां पे फ्लैश बैटमैन से पूछते हैं व्हाट आर योर सुपर पावर्स, और इस पे बैटमैन रिप्लाई करते हैं आई एम रिच। ऑन अ पर्सनल नोट, अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा फेवरेट सुपर हीरो कैरेक्टर कौन सा है, तो मेरा जवाब सिर्फ एक ही रहेगा, और वो है सुपरमैन। जो मौत को भी छूकर वापस आ जाए उसे कहते हैं सुपरमैन। सो हेनरी कैवल सुपरमैन इन ब्लैक सूट इज शाइनिंग कम्प्लीटली थ्रू आउट द क्लाइमेक्स ऑफ दिस मूवी। पूरी मूवी में एक से एक जॉ ड्रॉपिंग सीक्वेंसेस है, और उन्हीं सीन्स में से मेरा ये वाला सीन सबसे ज्यादा फेवरेट है। बात करें इस मूवी के VFX, ग्राफिक्स और CGI की, तो सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा इस मूवी के विलन यानी स्टेपिन वुल्फ की, जिनका लुक इस वाली मूवी में हद से ज्यादा अपग्रेड किया गया है, जो देखने में काफी हद तक अपीलिंग भी लगता है। पूरे मूवी में सिर्फ एक ही बात है जो मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर गई, और वो है इस मूवी के मेन विलन यानी डार्क साइड की। फर्स्टली लेस स्कोप गिवन टू द कैरेक्टर, एंड देन सेकेंडली इन पे किया गया CGI इफेक्ट और VFX और ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे काफी हद तक गॉड ऑफ वॉर वाली जो वीडियो गेम है उससे सिमिलर लगा। देखो, इस मूवी की असेंबल कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं तो एक ही कह सकता हूँ कि भैया ये गॉड ऑफ एक्टर्स है, इनकी परफॉर्मेंस को जज करने का हक हमको ना ही है।
इस मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है लास्ट के 30 मिनट ऑफ द मूवी, जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब जो भी इस मूवी में हुआ, जो भी मैंने देखा, आई लिटरली वेंट स्पीचलेस आफ्टर वॉचिंग द क्लाइमेक्स ऑफ द मूवी। हालांकि 2017 के जस्टिस लीग को मैंने थिएटर में देखा था, बट अगेन 2021 की इस जस्टिस लीग में एक अलग ही एक्सपीरियंस था, एक फ्रेश एक्सपीरियंस था। और देखते वक्त मुझे ऐसा बिल्कुल भी लगा कि ये मैंने मूवी पहले भी देख चुका हूँ, ऐसा लगा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग दिस मूवी। डेफिनेटली मैं आपको जस्टिस लीग जरूर रिकमेंड करूंगा, बट उससे पहले यू हैव टू वॉच बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जिसकी स्टोरी लाइन इस मूवी से कनेक्टेड है, एंड देन आपको सब पूरी स्टोरी समझ में आएगी कि क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। सो गाइज, आपको मेरा वीडियो कितना पसंद आया डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सी यू सून एंड टेक केयर।